सुनो कविता, कविता पढ़ने और सुनने में बहुत अंतर होता है, और ये अंतर तब समझ में आता है जब आप कविता पढ़ नहीं रहे होते, सुन रहे होते हैं। भाव, परिस्थिति, रंग, मनस्थिति, जो भाव शब्दों में ढला है जब आवाज का स्पर्श पा जाता है तो जीवित हो जाता है। जीवित हो जाती है कविता आवाज के छूने से। सुनो कविता में फिर एक बेहतरीन कविता आपके लिए, प्रीता जी की आवाज में। कविता को अपनी आंख खोलनी चाहिए, इमली के गर्दन उठाए अंकुरित बीज की तरह। उसे मुलायम और मोहक होना चाहिए, पीपल की लाल कोंपल की तरह। कविता को महकना चाहिए, जंगल में करोंदे के धवल फूल की तरह। उसे उम्मीद जगानी चाहिए, आम की मंजरी की तरह। कविता में मिठास होनी चाहिए, पलाश के फूल में छुपी नन्ही सी मधुबूंद की तरह। उसे विरोधियों को चिढ़ा चिढ़ा कर सजना संवारना चाहिए, गर्मियों में गुलमोहर की तरह। कविता झड़ती हो सवेरे सवेरे खेत की मेड़ पर महुए के फूलों की तरह। उसे पकना चाहिए जंगल में डाल पर तेंदू की तरह। कविता झुठलाती हो प्रचलित धारणाओं को नीम के फूलों की गंध की तरह। वो कटने के बाद भी उगती हो बार बार गन्ने की फसल की तरह। कविता को होना चाहिए एक अकवि पाठक या श्रोता की तरह। उसे यश की इच्छाओं से ग्रसित एक बड़े कवि की तरह कदापि नहीं होना चाहिए।